दोस्तों ये भी मेरा गीत आ रहा है उन प्यार सौ शास्त्री लोगों के लिए जो मंच की गरिमा को खो चुके हैं और मंच के ऊपर बैठ करके कलाकारी कराते हैं। पहले गीत को सुने उसके बाद में अपने अंदर धारण करें, उसके बाद में भाई लोगों से निवेदन है, उसके बाद में कमेंट करें। मैं बीके शास्त्री गांव पैर से राम स्टूडियो के सौजन्य से आए प्यास मुनि की गलती पर क्यों नौटंकी करवाते हो, गुरुओं का नाम ले जाते हो। देखिए निरंतर यूट्यूब के माध्यम से हम और आप सभी लोग देखते हैं ढोलक और चिमटा वाले उल उल के ढोलक बजाते हैं, तो इसको ये लोग कलाकारी कहते हैं। भैया ये ब्यास जी की गद्दी है, अगर अनादर करोगे तो जिस तरीका से ऊपर उठाया है उस तरीका से नीचे गिरने में टाइम नहीं लगेगा। मेरा निवेदन है अरे प्यास जी की गद्दी पर क्यों नौटंकी करवाते हो, गुरुओं का नाम ले जाते हो। और भैया यूट्यूब के माध्यम से गाना चाहे कैसा भी आ जाए रामी नकलची नकल करने वाले वो बैठे होते हैं कि कोई गाना रिलीज करे, लोग मेहनत करते करते परेशान हैं, लेकिन आप अपनी एक अलग छवि और पहचान बनाइए। मेरा निवेदन है मती नकल करो मेहनत करियो, अगर कोई दहाड़ में गाना आता है तो उसे कोई नहीं गाता है, अगर कोई थोड़ा लोकगीत वगैरह किसी का हिट हो जाए तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, कुछ कहने की नहीं। मती नकल करो मेहनत करियो, अरे स्वयं लिखो और खुद ही कहियो, गुरुओं का नाम ले।
भैया जैसे ब्यास गद्दी कहते हैं, आप स्वयं ही इस बात को कहते हैं कि जो भगवान के खिलाफ जाता है उसे सजा जरूर मिलती है, तो इस बात को अपने अंदर आप लोग भी धारण कीजिए। हालांकि मेरा गाना सभी भाइयों के लिए नहीं है, लेकिन जो भाई मैंने निरंतर यूट्यूब पर देखता हूँ ढोलक पर चिमटा वाले ब्यास जी के ऊपर चढ़ जाते हैं। जो माँ राधा जनक जननी है, हालांकि कथा में जहाँ की निकलवाओ अच्छी बात है, लेकिन हमने ये भी देखा है मैया राधा के भेष में जो जनक जननी है उसके भेष में लड़का साड़ी और ब्लाउज पहन करके नाचते हैं। लेकिन भैया नौटंकी करवा